सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेनॉल्ट टाइगर RXT ऑप्शनल, जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड मॉडल है जिसे रेनॉल्ट ने प्लेस किया है RXT और RXZ के बीच में। तो देखते हैं इसके फीचर्स, प्राइसिंग और इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की फॉब के साथ। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी रिमोट की मिलती है। बैक साइड में आपको देखने मिलता है रेनॉल्ट का लोगो और फ्रंट में आपको इसके बटन्स मिल जाते हैं अनलॉक, लॉक, लाइट और बूट अनलॉक के लिए। और ये आपको एक स्मार्ट की मिलती है जिसे अगर आप बस पॉकेट में रखो और कार के पास में जाओगे तो ये अनलॉक हो जाते हैं और दूर आने के बाद ये लॉक हो जाएगा। सिर्फ लॉक का होने के टाइम पे ही आपको इसका बीप साउंड आता है, अनलॉक के टाइम पे नहीं आएगा। तो ये RXT मॉडल जो है इसमें आपको चार मेजर चेंजेस देखने मिलते हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो है वो आपको इसके फ्रंट फेशिया में देखने मिलेगा, जो कि है इसके हेडलाइट्स। तो अभी आपको RXT ऑप्शनल में भी प्योर विजन LED लैंप्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। बाकी बात करें इसके ओवरऑल फ्रंट फेशिया के बारे में, तो काफ़ी बोल्ड लगती है और जैसा इसका डिज़ाइन है तो बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आपको ये कार देखने मिलती है। या बोनेट पे आपको टोटल 6 क्रीजेस देखने मिलते हैं जो बहुत ही स्पोर्टी लुक इसको देती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका फ्रंट वॉशर। और अगर बात करें इसकी ग्रिल की, तो एक बड़ा सा रेनॉल्ट का आपको लोगो देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रिल पे कुछ क्रोम ट्रीटमेंट्स देखने मिल जाते हैं। और इस तरफ आपको देखने मिलेंगे इसके DRLs और इंडिकेटर्स, और उसी के नीचे आपको इसके फ्रंट बम्पर पे देखने मिलते हैं इसके प्योर विजन LED लैंप्स। तो ऐसा आपको कुछ इसका लुक देखने मिलता है। और अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द बॉडी आपको एक ब्लैक कलर की बॉडी कैडिंग रन होते हुए दिखेगी, जो आपके पेंट को भी प्रोटेक्ट करती है अगर आप ख़राब रास्ते पर ड्राइव करते हो तो। और दूसरा इसमें मेजर चेंज आपको जो देखने मिलेगा RXT ऑप्शनल में, वो इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसके देखने मिल जाते हैं। C8 सिक्योर ड्राइव के टायर जिसमें आते हैं 195/60 R16 के, और ये भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, जो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक टॉप वेरिएंट के लिए ऑप्ट किया है। बाकी इधर फेंडर पे आपको फेक एयर वेंट्स का कुछ डिज़ाइन देखने मिल जाता है। और पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसके ORVMs देखने मिलते हैं, और इसी पे इंटीग्रेटेड है इसके इंडिकेटर्स। और इसमें कीलेस का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब वैसे ही जो आप की अगर पास में लेके जाते हो तो। बाकी रिक्वेस्ट एक्सेस यहाँ से आपको नहीं मिलता इसमें। और यहाँ से आप देख सकते हैं उसका साइड फेशिया कुछ इस तरह से दिखता है। ये डोर के नीचे की तरफ भी आपको कुछ क्लैडिंग यहाँ पे देखने मिल जाती है। और इस तरफ आपको देखने मिलेगा इसका फ्यूल टैंक, तो इसमें 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने मिलता है आपको। और अगर आप बैक की तरफ आए तो बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ ये कार आपको देखने मिलती है। जैसे इसके टेल लैम्प्स आते हैं, जो इसका डिज़ाइन है बैक साइड से, ये मतलब मेन हाईलाइट है इस कार का, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरफ आपको देखने मिल जाता है हाई स्टॉप लैम्प्स, इधर पे आपको इसका वॉशर देखने मिल जाता है, और ये इसके वाइपर्स। बाकी रियर डिफॉगर इसमें आपको देखने नहीं मिलता है। और इस तरफ कुछ एक ईस्टर एग आपको इसमें देखने मिलेगा। इस तरफ आपको देखने मिलता है रेनॉल्ट का लोगो, जिसके बीच में इसका कैमरा प्लेसमेंट है, टाइगर की बैजिंग, रेनॉल्ट का बैजिंग इस तरफ आपको देखने मिलती है। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं इसके टेल लैम्प्स, जो काफ़ी स्टाइलिश है। और इस तरफ आपको देखने मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट्स। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने मिलते हैं, और एक फेक स्किड प्लेट डिज़ाइन, जो कि बहुत ही एक टफ लुक दे देते हैं इस कार को। और तीन पार्किंग सेंसर्स आपको इस तरफ देखने मिलते हैं, एक सेंटर में और दो साइड्स में। बात करें इसके अगर बूट की, तो 405 लीटर्स का आपको इसका बूट स्पेस देखने मिलता है। इस तरफ आपको मिल जाता है एक ग्रोसरी हुक। और अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें, तो स्टील व्हील आपको देखने मिलता है, जो कि है 15 इंचेस का। साथ में आपको इसमें पार्सल ट्रे भी देखने मिल जाती है। अगर इसके सीट्स को फोल्ड करें तो फिर 60-40 स्प्लिट के साथ ये सीट्स आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर इस बजट में। तो इतना कुछ आपको इसमें स्पेस मिल जाता है सीट्स फोल्ड करने के बाद। क्लोज़ करते हैं इसकी बूट को। इस तरफ आपको इसका मैग्नेटिक बटन देखने मिलता है, और कोई भी ग्रैब हैंडल इस तरफ आपको नहीं देखने मिलता। और बात करें इसके टॉप की, तो काफ़ी स्टाइलिश आपको इसमें स्पॉयलर्स देखने मिलते हैं, कुछ एक ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में। रूफ रेल्स कुछ ऐसे इसके, और शार्क फिन एंटीना आता है इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। तो चलते हैं अभी गाड़ी के अंदर। तो बॉडी कलर्ड आपको इसमें डोर हैंडल्स देखने मिलते हैं। और अंदर की तरफ अगर चले तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसमें देखने मिल जाता है। आगे की सीट मैंने मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, मेरी हाइट है 5'8" तक।
मेरी हाइट है 5'8" और इतना कुछ लेग स्पेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको इसमें लेग स्पेस देखने मिल जाता है। मतलब अगर एक 6 फीट और 6 फीट के दो लोग इजीली इसमें बैठ सकते हैं। और अंडर थाई सपोर्ट की भी अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट इसमें आपको देखने मिलता है। मतलब बहुत काफ़ी कंफर्टेबल सीट से, जितना मतलब अगर आप एक एक्सपेक्ट नहीं करोगे एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से, और तीन लोग भी इजीली इसमें बैठ सकते हैं इवन लॉन्ग जर्नीज के लिए भी। और सेंटर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे इतना कुछ बड़ा हम्प नहीं, बहुत काफ़ी छोटा सा हम्प इसमें देखने मिलता है। इस तरफ आपको मिल जाते हैं इसके एसी वेंट्स और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सेंटर में इसका रीडिंग लैंप्स देखने मिलते हैं और ग्रैब हैंडल्स देखने मिलते हैं इसमें, जो कि फोल्डेबल नहीं है। बाकी अगर आप डोर्स पे देखो तो यहाँ पे भी आपको जो गोल्डन एक्सेंट्स है वो देखने मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ एक टेक्सचर है जो कि काफ़ी एक प्रीमियम फील दे देता है इस कार को, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे कुछ है इसके डोर लॉक्स जो कि ठीक ठाक क्वालिटी की है। और पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसका डोर हैंडल इधर देखने मिलता है। और चारों पावर विंडोज़ देखने मिलती है इसमें। और इस तरफ है इसके स्पीकर्स, 4 स्पीकर सेटअप के साथ ये कार आती है। यहाँ पे ट्विटर का है लेकिन इसमें मतलब आपको ट्विटर नहीं मिलता है इस मॉडल में। इस तरफ आपको देखने मिलता है इसके डोर पॉकेट जिसमें आप 1 लीटर की बॉटल इजीली कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दोनों सीट्स में मैगजीन होल्डर्स भी देखने मिल जाते हैं। बाकी अगर कम्फर्ट के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें कंफर्ट मिल जाता है। और ये तीनों सीट्स आपको आइसोफिक्स मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और अभी चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। तो अगर डोर्स की बात करें तो कुछ अच्छे डोर्स मिल जाते हैं, मतलब हैवी है फील ये देते हैं आपको। बाकी इस तरफ आपको देखने मिलता है इसका पियानो ब्लैक फिनिश में इसका डोर ओपनर, और गोल्डन एक्सेंट्स आपको हर तरफ देखने मिलेंगे कार में, जैसे कि डोर्स पर और एसी वेंट्स पर। और यहाँ पे कुछ एक टेक्सचर देखने मिलता है जो कि एक प्रीमियम फिनिश इसको दे देता है। और बात करें इसके डोर कंट्रोल्स की तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं लॉक के अनलॉक के साथ। और साथ में यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं ORVM एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं आते, आपको मैनुअली इसे फोल्ड करना पड़ता है। और चलते हैं कार के अंदर। तो बात करें अगर इसके प्लास्टिक क्वालिटी की तो जिस बजट में यह आती है तो कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ब्लैक इंटीरियर आपको देखने मिलता है और रूफ आपको वाइट कलर में देखने मिलती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ गोल्डन एक्सेंट्स देखने मिल जाते हैं सब तरफ, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक इसको दे देता है। और कुछ जगह पर आपको ऐसे क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने मिलते हैं जो कि एक अच्छा और एक प्रीमियम लुक देती है इस कार को। बाकी अगर हम सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। बात करें अगर स्टीयरिंग व्हील की तो ये आपको टिल्ट का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। बाकी इस तरफ आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स, और इस तरफ आपको देखने मिलते हैं इसके हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल्स। बाकी इसके IRVM की अगर बात करें तो एंटी ग्लेयर IRVM ये मिलता है, मैनुअली एडजस्ट आपको ये करना पड़ेगा। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं इसके इंटीरियर लाइट्स और सन ब्लाइंड्स आपको इस तरफ देखने मिलते हैं। कोई भी टिकट होल्डर या मिरर आपको ड्राइवर साइड में नहीं देखने मिलेगा, और को पैसेंजर साइड में आपको मिरर भी मिल जाता है। बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की तो कुछ ऐसा आपको इसका स्टीयरिंग व्हील देखने मिलता है, और लेफ्ट साइड में देखने मिलते हैं आपको इसके मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स। बाकी इसके अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो कुछ ऐसा आपको लुक देखने मिलता है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। आपको लेफ्ट साइड में देखने मिलता है इसका टैकोमीटर, और राइट साइड में इधर पे इंजन टेम्परेचर और फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और सेंटर में आपको मिलता है इसका MID जिसे आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो सेंटर में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ से आप इसका ट्रिप मीटर, फ्यूल यूज्ड, एवरेज वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और कितना रेंज वगैरह इसमें मिलेगा आपको वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, और सर्विस इंटरवल भी इसी में आपको शो करेगा। बाकी अगर लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें डिज़ाइन देखने मिलता है, जो कि नाइट ड्राइविंग के टाइम तो और अच्छा आपको ये लुक देगा। और बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो फिर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इसका रेडियो, मीडिया, फ़ोन रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स देखने मिल जाते हैं जिससे आप रियर व्यू कैमरा, पार्क असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ड्राइविंग स्कोर जैसा कुछ देखने मिल जाता है, जो ड्राइविंग रिपोर्ट जितनी भी है,
वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जो भी ड्राइविंग रिलेटेड इसमें आपको स्कोरिंग होगी वो आपको इस तरफ शो होगी। बाकी ये है स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, तो यहाँ से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको देखने मिलेंगे। इतने ही ऑप्शन आपको इसमें देखने मिलते हैं। और इस तरफ ये मिलता है इसका ऐसा होम स्क्रीन। बाकी रिवर्स कैमरा की अगर बात करें तो फिर कुछ ऐसा इसका क्वालिटी आपको देखने मिलता है रिवर्स कैमरा की। एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में नहीं आता है, फिक्स गाइडलाइंस के साथ में आपको ये देखने मिलता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं इसके एसी वेंट्स। और RX ऑप्शनल में जो तीसरा आपको मेजर चेंज देखने मिलता है वो इसके एसी में ही आपको एयर प्योरीफायर इंटीग्रेटेड मिलता है, तो ये इसका एक न्यू फीचर है। और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं सेंट्रल लॉकिंग के लिए और हैजार्ड लैंप्स के लिए। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं इसके एसी रिलेटेड कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने नहीं मिलता है, मैनुअल एसी आता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है इसका USB पोर्ट, स्टार्ट स्टॉप का बटन। और यहाँ पे आपको और कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिलता है। गियर नॉब की बात करें तो कुछ ऐसा इसका गियर नॉब आपको देखने मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश और कुछ क्रोम एक्सेंट्स के साथ में। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये कार मिलती है। यहीं पे आपको देखने मिल जाएगा इसका कुछ स्टोरेज स्पेस, तो इतना काफ़ी अच्छा आपको इसमें स्टोरेज स्पेस देखने मिलता है। और यहाँ पे मिलता है इसका आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं है, और ऐसा कुछ डिज़ाइन है इसके हैंड ब्रेक का। बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो ठीक ठाक आपको प्लास्टिक क्वालिटी इसमें देखने मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, और इस तरफ आपको और ग्लव बॉक्स में इधर भी आपको स्पेस मिल जाता है कुछ स्लॉट्स के साथ में, जो कि आपको जो भी सामान है ऑर्गेनाइज रखता है। और ड्राइवर के राइट साइड में इधर आपको देखने मिलता है इसका लाइट लेवल का स्विच, जो कि काफ़ी ऑफ पोजीशन में है, बहुत ही नीचे की तरफ है। और इस तरफ आपको मिल जाता है इसका बोनेट ओपन के लिए। तो देखते हैं इसका इंजन। तो बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व इंजन देखने मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 71 BHP का पावर और 96 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे आपको कुछ इंजन डैम्पिंग भी देखने मिल जाती है नॉइस कैंसलेशन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो आपको इसमें 4 एयरबैग्स मिलते हैं, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है ग्लोबल NCAP की तरफ से। फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं। साथ में ABS, EBD और ISOFIX जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी RX की ऑप्शनल में आपको 4 जो मेजर चेंजेस देखने मिलते हैं वो इसके प्योर विजन LED लैंप्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इंटीग्रेटेड एयर प्योरीफायर, जो रेड कलर इसमें आता था वो सिर्फ टॉप मॉडल में आता था, वो अभी आपको RX की ऑप्शनल में भी देखने मिलेगा। और अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में ऑन रोड प्राइसिंग आपको इसकी मिलती है 8,85,000 तक। तो अगर आप प्लान कर रहे हो रेनॉल्ट काइगर या रेनॉल्ट की कोई भी कार परचेस करने का, तो आप आ सकते हो रेनॉल्ट अहमदनगर में, जिसका आपको एड्रेस देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ आके आप इन कार्स की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और अगर आपको इसे और वॉक अराउंड वीडियोज़ देखने हैं तो क्लिक कीजिए इस ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर, और अगर आपको रेनॉल्ट के और वीडियोज़ देखने हैं तो क्लिक कीजिए इस नीचे वाली प्लेलिस्ट पर। थैंक यू।